नमस्कार दोस्तों, बाबा टेक्निकल नॉलेज यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों मुझे काफ़ी टाइम हो गया था, काफ़ी लॉन्ग पीरियड से मैं जो है वीडियो नहीं बना पा रहा था अपने चैनल पे, क्योंकि गाइस मेरे जो घर में छोटे भाई की शादी थी उसकी वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी हो गया था और अभी जो है गला भी बैठा हुआ है। तो अभी दोस्तों अभी हम फिर से शुरू करते हैं, काफ़ी दिन हो गए हैं और अब मैं एक नई वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ। दोस्तों जैसा कि मुझे जो है ग्रीनलॉजिक्स कंपनी से एक यूएसबी टू टीटीएल कन्वर्टर रिसीव हुआ है, तो दोस्तों हम यूएसबी टू टीटीएल कन्वर्टर का उपयोग कर सकते हैं माइक्रो कंट्रोलर की सीरियल कम्युनिकेशन को रीड करने के लिए, यानी कि किसी भी माइक्रो कंट्रोलर की जो हम उसे सीरियल कम्युनिकेशन के थ्रू जो है रीड कर सकते हैं, और साथ ही हम जो जीएसएम मॉड्यूल होते हैं उसकी एटी कमांड को रीड कर सकते हैं, यानी कि एटी कमांड के थ्रू कम्युनिकेशन कर सकते हैं यूएसबी टू टीटीएल कन्वर्टर से। तो ये यूएसबी टू टीटीएल कन्वर्टर है। तो दोस्तों इसकी खासियत एक ये है कि ये जो है ग्रीलॉजिक्स कंपनी का है और आपको इसमें कोई भी जो है कोई भी पिन नहीं लगानी है या कोई भी आपको जो है, मैं अभी जस्ट मैं आपको वीडियो फिर से दोस्तों इसका फ़ायदा ये है कि इसमें क्या है कि डेटा केबल दे रखी है, तो इसे आप अपने पीसी या लैपटॉप से डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हो, आपको कोई भी जो है जम्पर वायर लगाने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे देखिए RX TX और GND 5 वोल्ट, ये सारी वायरें निकली हुई है जम्पर वायर, तो इसको आप जो है डायरेक्टली माइक्रो कंट्रोलर या GSM मॉड्यूल के साथ में कनेक्ट कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों ये ग्रीलॉजिक्स कंपनी का प्रोडक्ट है और जो कि आपको जो है GSM मॉड्यूल या कोई भी माइक्रो कंट्रोलर हो दोस्तों उसी को सीरियल कम्युनिकेशन को रीड करने के लिए हमें जो है यूएसबी टू टीटीएल कन्वर्टर की ज़रूरत पड़ती है दोस्तों। तो दोस्तों ये बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है, जैसा कि अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ इसको निकाल के पैकेज में से, और पैकेजिंग भी बहुत अच्छी आती है। तो दोस्तों ये देखिए, आपको इस तरीके से आपको यूएसबी टू टीटीएल यानी कि यहाँ पर जो है ये यूएसबी लगी हुई है, इसको आप डायरेक्ट पीसी या लैपटॉप से कनेक्ट कर सकते हो। और देखिए इस पर सब चीज़ मेंशन है USB टू TTL, CP2102 का इसके अंदर जो ड्राइवर है वो इंस्टॉल आते हैं ऑलरेडी, और आप कर भी सकते हो। यहाँ पे 5 वोल्ट ग्राउंड RX और TX, तो जो इसकी पिन होती है, और देखिए यहाँ पे OS विंडो लिनक्स, और मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है फ्रेंड्स ये। तो यहाँ पे देखिए आपको काफ़ी लॉन्ग वायर केबल मिल जाती है, और यहाँ पे देखिए इस साइड में जो है, यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे ये देखिए ये वाला जो है TX है ग्रीन वाला, वाइट वाला RX है, और रेड वाला 5 वोल्ट और ब्लैक वाला ग्राउंड। तो इसको आपको किस तरीके से कनेक्ट करना है देखिए अभी मैं आपको माइक्रो कंट्रोल के साथ में या GSM मॉड्यूल के साथ में एटी कमांड को रीड करके बताता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों मेरे पास में सॉरी दोस्तों मेरा थोड़ा गला भी ख़राब है, तो उसकी वजह से आवाज़ थोड़ी मेरी सही नहीं आ पाएगी, तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। दोस्तों यहाँ पर जो GSM मॉड्यूल है मेरे पास में, और GSM मॉड्यूल में आपको किस तरीके से जो है ये कनेक्ट करना है, तो सबसे पहले देखिए ये वाला जो है ग्रीन वायर, ये TX है, ये RX है, तो मैं TX को GSM मॉड्यूल की RX में लगा दूंगा, और RX को GSM मॉड्यूल की, ये वाइट वाला RX है तो इसको मैं TX में लगा दूंगा, और यहाँ पे जो ग्राउंड है उसको ग्राउंड से कनेक्ट कर दूंगा। बस ये तीन पिन नहीं आपको यूज़ करनी है, और अगर आपको 5 वोल्ट देनी हो किसी मॉड्यूल को तो आप दे सकते हो, लेकिन मैंने ऑलरेडी पावर सप्लाई से इसको कनेक्ट किया हुआ है। उसके बाद में अब मैंने GSM मॉड्यूल को यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है, और इस USB केबल को मैं लगा दूंगा अपने PC की USB में कनेक्ट कर दूंगा। तो यहाँ पे मैंने कनेक्ट कर दिया है, और देखिए तो यहाँ पे दोस्तों मैं आ गया हूँ अपने डेस्कटॉप की स्क्रीन पे, और सबसे पहले आपको हाइपर टर्मिनल सॉफ्टवेयर ओपन कर लेना है, और यहाँ पे अपना कुछ भी आपको जो है नाम डाल देना है, उसके बाद में कोई इमेज सेलेक्ट करके ओके कर देना है। इसके बाद में यहाँ पे आपको जिसमें आपका USB टू TTL केबल लगी हुई है, यानी कि मैंने COM6 में लगा रखी है तो डेस्कटॉप के, तो मैं COM6 यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा, उसके बाद में यहाँ मैं ओके कर दूँ। तो सबसे पहले फ्रेंड्स मैं टाइप करूँगा 80, तो देखिए यहाँ पर मैंने 80 टाइप कर दिया है, और ओके, उसके बाद में 80 प्लस CMGF और क्वेश्चन मार्क, तो ये देखिए यहाँ पे 0 आ गया है, ये PDU मोड के लिए होता है दोस्तों। उसके बाद में मैं यहाँ 80 प्लस CS
सी एस क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स ये आ गया है, और यहाँ पे तो दोस्तों अगर आपको ये USB टू TTL कन्वर्टर चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको कंपनी की वेबसाइट और फ़ोन नंबर मिल जाएगा, वहाँ से आप जो है ऑनलाइन इसको ऑर्डर करके मंगवा सकते हो दोस्तों। बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है दोस्तों, और आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों में शेयर करें दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपको किसी और नेक्स्ट वीडियो में।